हेलो एवरीवन, आज मैं डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के अगले टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। विंड प्रेशर ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब कॉलम, वॉल, पिलर, चिमनी। अब इस जितने स्ट्रक्चर का मैंने नाम लिया, ये सारे स्ट्रक्चर पे विंड प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, विंड प्रेशर के कारण इस स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में समझना है, जानना है, और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा स्ट्रेस डेवलप करेगा वो भी पढ़ना है और उसको कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम विंड प्रेशर जब उस स्ट्रक्चर पे लगेगा तो उसके कारण हमारा एक विंड फोर्स डेवलप करेगा और उस फोर्स के कारण बेंडिंग मोमेंट डेवलप करेगा अबाउट बेस, ये, और उस बेंडिंग मोमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप करेगा। क्लियर? और दूसरा जो है हमारा सेल्फ वेट स्ट्रक्चर का जो है उसके कारण डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो यहाँ भी हमारा दो स्ट्रेस डेवलप करेगा, एक सेल्फ वेट के कारण और दूसरा विंड प्रेशर के कारण। क्लियर? जैसे पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग कि कॉलम पे एक्सटर्नल लोड के कारण, मतलब इसेंट्रिक लोड के कारण कौन कौन सा स्ट्रेस डेवलप करता है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। बट यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट स्ट्रेस सेल्फ वेट के कारण डेवलप करेगा और बेंडिंग स्ट्रेस विंड प्रेशर के कारण डेवलप करेगा। तो चलिए इसको वन बाय वन हम लोग समझते हैं। मतलब ये चीज़ जो हम लोग, ये जो विंड प्रेशर है, ये ध्यान में रखते हैं जब हम कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हों, अगर हम उसको, चाहे वो कॉलम बना रहे हों, चाहे चिमनी बना रहे हों, जो भी बना रहे हों, तो हम लोग ये ध्यान देते हैं कि विंड प्रेशर के कारण वो स्ट्रक्चर कॉलेप्स नहीं कर जाए। उसको मतलब स्टेबिलिटी लाने के लिए उसमें हम लोग डिज़ाइन करते हैं अबाउट बेस, और उस डिज़ाइन के हिसाब से फिर हम लोग उस स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले टोटल हॉरिजेंटल विंड फोर्स, जो आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि टोटल हॉरिजेंटल विंड फोर्स जिसको एफ एच से डिनोट किए हैं, ये एफ एच इज इक्वल टू कितना होता है, के पी इंटू ए पी। ये तीन टर्म है, तीन अल्फावेट है, एक के है, एक पी है और ये ए पी एक टर्म है। के क्या है, पी क्या है और ए पी क्या है, हम सब पे बात करेंगे वन बाय वन। तो चलिए, वेयर पी क्या है, तो विंड प्रेशर। ए पी क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया। अब यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया को समझना है अकॉर्डिंग टू फिगर या अकॉर्डिंग टू डायग्राम। चलिए समझते हैं। तो आप मान लीजिए कि एक हमारे पास, एक बुक मैं ले रहा हूँ, ये है रेक्टेंगुलर कॉलम, दिख रहा होगा, ये इसका विड्थ है, ये इसका थिकनेस है, ये वाला विड्थ है और ये हाइट है। क्लियर? ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम है और इस पे जो विंड प्रेशर लग रहा है, वो विंड प्रेशर का डायरेक्शन उसके थिकनेस पे विंड प्रेशर लग रहा है। और जब इसको हम बोर्ड पे आपके सामने में का फ्रंट व्यू दिखाएंगे इस कॉलम का, तो कैसा दिखेगा, ये एक रेक्टेंगल दिखेगा सामने से और ये विंड प्रेशर इधर से लेफ्ट साइड से लगता हुआ दिखेगा, जो कि आपको दिख रहा है। क्लियर? तो प्रोजेक्टेड एरिया हम कौन से एरिया को कहते हैं, कौन सा प्रोजेक्टेड एरिया हम इस फॉर्मूले में लेंगे और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोजेक्टेड एरिया हम उस एरिया को लेंगे जिस एरिए पे फोर्स, विंड प्रेशर लग रहा हो। तो विंड प्रेशर कौन से एरिया पे लग रहा है, ये वाले एरिया पे लग रहा है जो आपको दिख रहा होगा फिगर में मेरा, देख लीजिए, मैं ये मार्कर देख रहे होंगे आप, मार्कर हम दिखा रहे हैं कि ये जो थिकनेस है इस कॉलम का, इस थिकनेस पे विंड प्रेशर लग रहा है। तो जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो आप फिगर में देखिए बोर्ड पे इस तरह से दिखेगा, इसका थिकनेस क्या है, डी है, और हाइट एच है, और उसका विड्थ कितना है, तो बी है, जो कि ये क्रॉस सेक्शनल, मतलब ये प्लान देख रहे हैं, ये एलिवेशन देख रहे हैं और ये प्रोजेक्टेड एरिया देख रहे हैं। क्लियर? चलिए अब मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि वो हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम ना हो, स्क्वायर कॉलम हो। तो स्क्वायर कॉलम में वो भी डायगोनली उस पर विंड प्रेशर लग रहा है, डायगोनली, समझ रहे हैं, ये भी एक मैं एग्जांपल के लिए लिया हूँ कि डायगोनली लग रहा है, ये डायगोनल है ना, मतलब फ्लैट नहीं है, इस तरह से नहीं है, ठीक है, ये डायगोनली है,
और इधर भी विंड प्रेशर लग रहा है, इधर भी विंड प्रेशर लग रहा है, जो कि आपको प्लान देखिए ये ऊपर का टॉप व्यू ये दिख रहा है कि टॉप व्यू इस तरह से हमारा टॉप व्यू ये है और विंड प्रेशर ये लग रहा है, क्लियर। तो अब ये जो इंक्लाइंड है ये कितने डिग्री सॉरी कितने एंगल पे है, तो ये थीटा एंगल पे है अकॉर्डिंग, ये डायगोनली है तो थीटा यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। तो हम मान लिए कि एंगल नहीं पता है, मान लीजिए वो डायगोनली जो है वो थीटा एंगल पे है, तो ये देख लीजिए आपको कि विंड प्रेशर इधर लग रहा है। अब इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, जब इसको हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, तो विड्थ हो जाएगा इसका डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन विड्थ हो जाएगा और हाइट हो जाएगा। तो इसको जब प्रोजेक्ट किए तो विड्थ हो गया ये ए बी, ये जो डायगोनल दिख रहा है या दिखा रहे हैं इसमें, ये आपका प्लान में दिख रहा है कि ये ए है और ये बी है, ये डायगोनल है, ये हो गया विड्थ और इसका हाइट हो गया एच। तो ये हो प्रोजेक्टेड एरिया अगर डायगोनली लग रहा हो तो। प्रोजेक्टेड एरिया क्लियर। अब आगे चलते हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस ये क्या है, ये अकॉर्डिंग टू सरफेस अलग अलग होता है, एक तो प्लेन सरफेस है और दूसरा सर्कुलर सरफेस है। प्लेन सरफेस के लिए के का रिजल्ट जो होता है जब हम डेरिवेशन ड्राइव करते हैं तो उसका रिजल्ट जो आता है के इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब वेन जब थीटा हमारा 45 डिग्री होगा, जब 45 डिग्री कब होगा, जब ये डायगोनली लगेगा स्क्वायर कॉलम के, क्लियर। जब कॉलम के डायगोनली लगेगा तो थीटा 45 डिग्री होगा, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का रिजल्ट 1/2 हो जाएगा। तो के का रिजल्ट जब डायगोनली लग रहा है तो उस केस में 1/2 हो जाएगा। और जब हमारा सरफेस फ्लैट होगा, मतलब डायगोनली नहीं लग रहा है एकदम फ्लैट, देख लीजिए ये उसके विड्थ पे, ये स्क्वायर कॉलम है तो विड्थ और डेप्थ, विड्थ और थिकनेस तो बराबर ही होगा, तो इसके फ्लैट सर्फेस पर लग रहा है जो आपको दिख रहा है, देख लीजिए ये फ्लैट सर्फेस पर लग रहा है। तो ये वाला जो एंगल हम थीटा लिए हैं वो किसके रिस्पेक्ट में लिए हैं, तो विंड प्रेशर का जो डायरेक्शन है और सरफेस दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ पे देख लीजिए विंड प्रेशर का डायरेक्शन ये है और दोनों, और ये जो हमारा सरफेस है इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, देख लीजिए 90 डिग्री, क्लियर। तो ये हमने यहाँ 90 ले लिया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो के का रिजल्ट 1 आ गया। तो ऐसे भी आपको पता होगा कि जब हम फोर्स लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर तो प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। तो जब फ्लैट सरफेस रहेगा तो प्रेशर इनटू एरिया होगा, जब डायगोनली होगा तो फिर वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डायगोनल के केस में के का रिजल्ट 1/2 होता है, क्लियर। दूसरा सरफेस जो हमारा होता है वो होता है सर्कुलर सरफेस, फोर सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर की सरफेस के केस में के का रिजल्ट डायरेक्ट आपको पुट कर देना, ये भी ड्राइव करके आता है बट डेरिवेशन हम यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ। तो के इज इक्वल टू 2/3, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। एक रिजल्ट ये याद रखना है, ये तो मेन इक्वेशन है ये आपको याद रखना है, और एक ये याद रखना है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्लेन सरफेस के लिए के का रिजल्ट अलग अलग होगा। और इस केस में सर्कुलर सरफेस के केस में 2/3 हम लोग यूज़ कर लेंगे। सर्कुलर सरफेस के केस में भी प्रोजेक्टेड एरिया एक रेक्टेंगल ही होगा, ये जो प्रोजेक्टेड एरिया हम भी बात कर रहे थे कुछ देर पहले, तो सर्कुलर सरफेस के केस में भी जब सर्कुलर सरफेस हम सिलेंड्रिकल फॉर्म में देख रहे हैं तो उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे बोर्ड पे देखेगा तो एक रेक्टेंगल ही दिखेगा, डाया हो जाएगा उसका विड्थ और हाइट हो जाएगा एच। तो एच इंटू डाया इज इक्वल टू प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन या सिलेंड्रिकल सेक्शन, क्लियर। तो हम यहाँ पे के पे भी बात कर लिए, पी तो विंड प्रेशर है और ए पी प्रोजेक्टेड एरिया पे भी बात कर लिए, तीनों को समझ चुके हैं। चलिए इस हॉरिजेंटल विंड फोर्स के कारण क्या डेवलप करता है, हॉरिजेंटल विंड फोर्स के कारण हमारा बेंडिंग मोमेंट डेवलप करता है अबाउट बेस। तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट बेस कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या है एफ एच है, और बेंड ये जो हमारा एफ एच है हॉरिजेंटल विंड फोर्स ये सेंटर पे एक्ट करेगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हाइट का हाफ एच बाई टू। तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे अबाउट बेस, बेंडिंग मोमेंट कितना होगा तो एफ एच इंटू एच बाई टू, तो उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं।
बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट इसको एम से डिनोट करते हैं, एम इज इक्वल टू एफ एच इंटू एच बाई टू। क्लियर? यहाँ से जब बेंडिंग मोमेंट आ गया तो बेंडिंग स्ट्रेस भी आ जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस भी आ जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी से डिनोट करते हैं, ये कितना हो जाएगा? तो ये बेंडिंग फार्मूला से एम बाई आई इंटू वाई जो पिछले केस में भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस निकल गया। क्लियर? अब क्या निकालना है? तो अब डायरेक्ट स्ट्रेस निकालना है। डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने के लिए वो कौन से लोड के कारण होगा? तो सेल्फ वेट के कारण होगा। सेल्फ वेट देख लीजिए आप कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसका सेल्फ वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसको हम लोग डब्लू कहते हैं। और डब्लू सेल्फ वेट डब्लू कैसे निकलता है? तो इसका स्पेसिफिक वेट जो अभी स्ट्रक्चर है उसका गिवन रहेगा या यूनिट वेट गिवन रहेगा। तो स्पेसिफिक वेट मान लेते हैं गामा गिवन हो तो इनटू एरिया और इनटू हाइट, यहाँ से वेट निकल जाएगा। क्लियर? तो मैं वेट भी निकाल लेता हूँ। जब वेट निकालेंगे सेल्फ वेट इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू गामा स्पेसिफिक वेट या यूनिट वेट इनटू एरिया इनटू हाइट, ये आ गया सेल्फ वेट। अब डायरेक्ट स्ट्रेस यहाँ से क्या निकल जाएगा? डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू हम लोग सिग्मा डी से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा डी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब कौन सा एरिया लेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया? जिस एरिया के अकॉर्डिंग हमारा, जिस एरिया के रिस्पेक्ट में वेट काम कर रहा है, तो डाउनवर्ड हमेशा वेट काम करता है ऑलवेज, तो डाउनवर्ड वाला जो एरिया होगा वही क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ लेंगे, बॉटम वाला, यानी बी इंटू डी। क्लियर? यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेस निकल गया, पहले हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस निकाल चुके हैं, दोनों निकल गया, तो मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस दोनों निकाल लेते हैं हम लोग। मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, और मिनिमम स्ट्रेस सिग्मा मिन इज इक्वल टू सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। बस यही निकालना था, मेन समझना था कि हमारा बेंडिंग स्ट्रेस कैसे डेवलप कर रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है, और डायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस तो सेल्फ सिंपल है कि वो सेल्फ वेट के कारण कैलकुलेट कर रहे हैं, सेल्फ वेट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्ट स्ट्रेस है। बेंडिंग स्ट्रेस किसके कारण डेवलप कर रहा है? तो विंड प्रेशर के कारण डेवलप कर रहा है। विंड प्रेशर क्या कर रहा है कि वो फोर्स डेवलप करा रहा है, और फोर्स जो है वो बेंडिंग मोमेंट डेवलप करा रहा है अबाउट बेस। यही स्टेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं कि बेस के अबाउट हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट जब निकल जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट जब निकल गया तो उस केस में हम लोग फिर वहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेंगे, और बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के बाद फिर हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस निकाल लेंगे। यही हम लोग सीखे हैं। और क्या सीखे हैं? और आज के क्लास से ये सीखे हैं कि हमारा फ्लैट सरफेस जब रहेगा तो K का रिजल्ट, जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशियंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस K, वो कितना होगा? तो फ्लैट प्लेन सरफेस के लिए K कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा। फ्लैट के केस में थीटा 90 डिग्री होगा। अगर डायगोनली हमारा विंड प्रेशर लग रहा है कॉलम पे, तो उस केस में थीटा 45 डिग्री होगा, वहाँ से K निकल जाएगा। और सर्कुलर सेक्शन के लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए हमारा कोफिशियंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस वो 2/3 होता है। क्लियर? आज इतना ही सीखे हैं। अब अगले क्लास में हम लोग इसके प्रॉब्लम पे बात करेंगे। थैंक यू।